वेलकम बैक टू क्विक एंड डिलिशियस क्विजीन। और आज मैं आपके साथ चिकन हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने कैरेट ली है तकरीबन 1 बॉल। आप अपनी सूप की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने सेम क्वांटिटी में कैबेज ली है, इनको मैंने जूलियन शेप में कट किया है। कॉर्नफ्लावर है जो कि 3 to 4 टेबल स्पून है। सोया सॉस 3 टेबल स्पून, 1 egg, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मैंने पाउडर बनाया है इसका, इसको फाइनली आपने पाउडर की तरह ग्राइंड करना है, ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। एंड वाइट विनेगर, ये तकरीबन मैंने जो है वो तकरीबन 3/4 कप्स लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है, आप कोई से भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 पाउंड चिकन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने चिकन को खूब सारा पानी पॉट में डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखना है। नॉर्मली चिकन 15 to 20 मिनट्स में बॉईल हो जाती है, और जैसे ही चिकन बॉईल करने के लिए रखना है, हम इसके साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ये है कि चिकन जब बॉईल हो जाएगी तो फिर हम इसको श्रेड करेंगे, और जो चिकन की स्टॉक है जिसके अंदर कि ये चिकन बॉईल हो रही है, सेम वाटर जो है उसी को हम सूप के लिए यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी अंटिल चिकन बॉईल। सो मेरी चिकन बॉईल हो चुकी है, और इसको चेक करने के लिए कि गली है कि नहीं, आप यूँ एक फोक लेके इसको यूँ पोक करके देखें, और आप देखें कि चिकन जो है वो रेडी है। अब इसको जो है वो मैं ठंडा करके शेड करूँगी, और फिर सेम स्टॉक को जो है वो मैं सूप बनाने के लिए यूज़ करूँगी। सो नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट। चिकन को हमने इस तरह से शेड कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने सूप के स्टॉक में ये सब चीज़ें ऐड करनी है। सो आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये सेम स्टॉक है जिसमें मैंने चिकन बॉईल की थी। मुझे ये पानी कम लग रहा है, ये स्टॉक कम लग रहा है, क्योंकि मुझे सूप थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो इसमें यह है कि आप हमेशा से पानी ऐड कर सकते हैं, तो आई एम एडिंग सम वाटर इन इट अपने सूप की क्वांटिटी के हिसाब से। सो अभी इतना पानी काफ़ी है, मैं इसको जब तक इसमें बॉईल आता है मैं वेट करूँगी, फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। पानी में बबल्स बनने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि ये बॉईल हो चुका है। सबसे पहले मैं इसके अंदर चिकन डालती हूँ। ये चीज़ें डाल के हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये वेजिटेबल्स सूप में क्रंची अच्छी लगती हैं। और बस 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स डालते हैं। अब मैं इसके अंदर कैरेट डाल रही हूँ। आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, मगर मेनली हॉट एंड सॉर सूप में इतने ही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी होते हैं, और ये वाली वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। बट अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन बेल पेपर और मशरूम्स, कोई भी दूसरी चीज़ें जो है अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स डाल के हम इसको सिर्फ 2 मिनट देंगे, 1 से 2 मिनट, और फिर मैं इसके अंदर सोया सॉस वगैरह ऐड कर को डाले हुए 1 मिनट हो गया। मैं इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप जो है स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सॉल्ट को भी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नफ्लावर को कैसे इसमें ऐड करना है, वो हम सूप को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्नफ्लावर के अंदर आपने पानी डालना होता है, और इसका जो है वो लिक्विड बनाना होता है, और इसको आप यूँ हिलाते रहें तो इसका जो है वो थोड़ा सा लिक्विड बनता चला जाता है, और फिर हम इसको सूप में ऐड करेंगे। और ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए है। आप इसको जो है सूप की क्वांटिटी के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको जब आपने सूप में डालना है तो उसको साथ साथ हिलाते रहना है, क्योंकि ये बेस में बैठ जाता है। तो इसके साथ हम सूप को थिक करते हैं। सो नाउ आई विल शो यू हाउ। देखें कि हमारे सूप में बॉयल आ रहा है, इसके साथ ही मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, और इसको हमने स्लोली स्लोली ऐड करना है और हिलाते रहना है इसको, ताकि ये बेस में इसका जो है वो बैठ नहीं जाए। और थोड़ी देर के बाद ही हम देखेंगे कि हमारा सूप जो है वो थिक हो रहा है। सूप थिक हो रहा है। मैं आपको सर्विंग सजेशंस बता देती हूँ कि सूप को आप सोया सॉस और वाइट विनेगर के साथ सर्व कर सकते हैं। और वाइट विनेगर में मैंने यहाँ पे ये ग्रीन चिली जो है वो काट के रखी हुई है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, और इसको यूँ सूप बनाने से थोड़ी देर पहले भी रख सकते हैं, तो फिर इसमें ग्रीन चिलीज़ का अरोमा आ जाता है।
तो इस तरह से हम जो है इनको सूप के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग हॉट सॉस भी लाइक करते हैं, तो आप इसको हॉट सॉस भी इसके अंदर सर्विंग्स में, सर्विंग सजेशंस में रख सकते हैं। देख सकते हैं कि सूप ऑलमोस्ट रेडी है इसकी। ये आप कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये थिक हो चुका है। अब इसके अंदर लास्ट में जो है वो हमने एक एग डालना होता है, उसको अच्छी तरह से बीट करके। तो एग को हमने यूँ स्लोली स्लोली जो है सूप में आप यूँ ऐड करते जाएँ। तो एक या दो एग जितने भी आपकी सूप की क्वांटिटी, आप उसके हिसाब से इसमें डाल दें। और साथ ही हम इसको यूँ थोड़ा सा हिलाएंगे। हमारा सूप सर्विंग के लिए रेडी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हॉट एंड सॉर सूप रेडी है। इसको आप स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन वाले पार्ट से यूँ थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। इट लुक्स नाइस। और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। I hope you like the recipe, and please don't forget to like, subscribe, and share with your friends. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye-bye.